नहीं, आपको बिलीव करना है समय कि परमेश्वर यहाँ पर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नहीं चलो मैं उस बहन से बात करता हूँ, इनको पता नहीं लग रहा। वो बहन पीछे बैठी, आज उसको आशीर्वाद दिलाता हूँ। देखो, हाँ मुझे देख रही है, तू खड़ी हो जा। लास्ट में, हाँ लास्ट में, यस, हाँ आ जाओ, शाबाश। देखो कैमरामैन, कैमरा कर उधर। हाँ कैमरा चाटे का यस। हाँ सुन रहे हो? और कौन है आपके साथ? हैं कौन है आपके साथ? मेरी बेटी। हाँ बुलाओ उसको, बुलाओ। कम हियर। सारे बोल हालेलुया। अभी सुनो ध्यान से, अब मैं इस प्रोफेसी के बाद धड़ा धड़ आपके लिए प्रोफेसी करता चला जाता हूँ। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अच्छा लोग बोलते हैं यार मेंबरों के लिए प्रोफेसी करते हो। आपको बस सुनना है थोड़ा सा, मेंबरों के लिए क्यों करते हैं, इन लोगों के लिए क्यों करते हैं। आप समझदार हो कि नहीं? सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो ज्यादा बीज बोता है उसको ज्यादा प्रतिफल मिलता है, जो ज्यादा प्रार्थना करता है उसको ज्यादा प्रतिफल मिलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी पूरी फैमिली है यहाँ पर। अभी मैं इन लोगों को आशीर्वाद देने वाला था। मैंने एक व्हाइट कबूतर आपके घर पर देखा, आपके वहां पर देखा मैंने। सुनो, हैं बहन जी को गुस्सा आ गया मेरे पे। हालेलुया, हालेलुया। जोकर तेरे हालेलुया बोलने से कुछ नहीं होगा। सुनो ध्यान से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोनों पर दिखा कैमरा। हाँ सुनो, ध्यान सुनो। ए पूरी फैमिली का दिखा, क्या कर रही है, इससे बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। आप क्या लगते हो इसके? हस्बैंड। हाँ हस्बैंड। सुनो, पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, आप विश्वास करते हैं जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा आज से? हाँ जी। विश्वास करते हो? हाँ जी। अगर मेरा आशीर्वाद अच्छा लगे लेके जा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ के जा। ठीक है, सुन रहे हो? अच्छा सुनो, आपके घर में आपके काम बंद पड़े हैं। हाँ जी। सुन ले, तीसरा महीना आज से और 3 तारीख तू छलांग मारते हुए यहाँ पर आने वाला है। हालेलुया। तेरा फाइनेंस बढ़ने वाला, तेरे काम खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुलने वाले हैं और इसी समय परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आमीन। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ। सुनो, आपकी बेटी जो, हाँ, आपकी बेटी जो रो रही है, देखो ये आपकी फैमिली में बहुत चिंता करती है आपके बारे में। सही कर रहा हूं? वो देखो कैमरा। बहुत चिंता करती है आपके बारे में। आप रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। हाँ जी पापा जी। मेरी शक्ल देख ले, आज यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है, तुझे आशीष देख रहेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। सुनो, आज से 15 साल पहले आपके ऊपर एक जादू टोना किया, आपके ऊपर, आपकी मैरिज, फिर मैरिज हुआ, मैरिज के ऊपर भी एक जादू टोना किया। मैं कई तरीके से देख रहा हूँ, आपकी वाइफ को जकड़ रखा है, आपके बच्चों को जकड़ रखा है, आपको बांध रखा है। मैं कुछ खून के छिंटे देख रहा हूँ आपके घरों में। आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 घर बदल के देख लिए। हाँ या ना? यस। सही कर रहा हूं कि नहीं? लेकिन जिस घर में अब भी रहते हो वहां भी शांति नहीं आपको लग रही है, वहां भी आपको ब्लैक मैजिक लग रहा है। लेकिन मैं आपके घर में जा रहा हूं, इस समय मैं देख रहा हूं, मैं एक ब्लैक कलर का गेट खोल रहा हूं। हाँ जी, यस यस पापा। ब्लैक कलर का गेट खोलता हूँ और ब्लैक कलर का गेट खोलने के बाद मैं अंदर कमरे में घुसा। मैं देख रहा हूँ, मैं एक देख रहा हूँ, इधर एक दीवार देख रहा हूँ, लेकिन एक सामने एक दीवार देख रहा हूँ, ऑरेंज कलर की दीवार है। और एक ऑरेंज कलर की दीवार, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं देख रहा हूँ कि इधर एक सोफा, मैं देख रहा हूँ एक सोफा, और एक देख रहा हूँ एक दीवान देख रहा हूँ, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक रेड कलर का फ्रिज देख रहा हूँ। मेरे घर में ग्रे कलर है, लेकिन आपके घर में रेड कलर का है। हाँ जी। हाँ, सुनो, आपके, अगर मेरी बात को हल्की लग रही है, मैं देख रहा हूँ एक पीएनबी में किसका खाता है। मेरा था पापा जी, बंद हो गया। हाँ जी। फिनिश हो गया। हाँ जी। दोबारा से खुलेगा वो। यस। दोबारा से बरकत मिलेगी। आपके घर में किसी और का भी कह रहा, किसी के एटीएम पर, किसी के खाते पर ऐसे 1100। देखो, चेक करो अपने एटीएम जो निकालो, अपने चेक करो, अपने चेक करना है आपको। हाँ, घर जाके चेक करना। और लेकर आना, ये गवाही है। इनके चेक करना, आपकी पत्नी के चेक करना, बच्चों के चेक करना, ठीक है पापा, ये परमेश्वर की ओर से। वैसे देख रहा हूँ कि मैं एक स्वर्गदूतों को आते हुए देख रहा हूँ, और आपके घर में बहुत सारे कह रहा कि बहुत सारे लोग लारा दे लगा कर चले गए, आपका पैसा ठग कर चले गए, आपको ब्लेसिंग नहीं मिला, लेकिन दो बार आपको परमेश्वर ने कोर्ट केस से बचाया। हाँ, पवित्र आत्मा आपको बचा रहा है, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि आपके घर में किसी के टांग पर, ऐसे हाथों पर, पैरों पर नील के धब्बे पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं, वाइफ के पड़ते हैं कि नहीं। हाँ, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, और मैं देख रहा हूँ ऐसे जगह जगह आपने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला। इसके बच्चे दानी में मैं आत्मा में देख रहा हूँ, होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है, एक स्कैन मैं देख रहा हूँ, स्कैनिंग, और मैं देख रहा हूँ कि अभी नहीं है, आप चेक कराओगे आपको पता लगेगा। लेकिन इस बात पर एक खतरनाक बात है, इसके यूट्रस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम डाल रहा है, अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, प्रॉब्लम डाल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है, आजाद करना चाहता है आपकी फैमिली को, और इसी समय आप एक घर के लिए, एक जगह के लिए, एक दुकान के लिए चौड़ा करना चाहते हैं, चौड़ा करना चाहते हैं, अपनी खरीदना चाहते हैं, अपनी करना चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर करेगा, करें कि ये नया साल आपके लिए आशीष भरा होगा। ये लड़की आप सोचते हैं कि ये लड़की सोचती है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ अपने माँ बाप का बर्बाद कर दिया। आप इसको ताने मारते, कई बार इसको ताने मारते कि नहीं ना, ये लड़की कह रहा है कि कनाडा में ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 आमीन। मैं कह रहा हूँ कनाडा में ब्लेस होगी, आपके नाम को ऊंचा करेगी, ये परमेश्वर करेगा। लेकिन इसकी क्वालिफाई नहीं है, इतना क्वालिफाइड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी इतनी क्वालिफाइड नहीं है, इतना इसको अच्छे से आता नहीं है। इसकी शक्ल पे लगता होगा पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं आत्मा देखता हूँ इतना क्वालिफाइड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पास इतना अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसको भेजने के लिए। पास्टर बजिंदर आपको मक्खन नहीं लगा रहा, बटर नहीं लगा रहा है, आपको बता रहा हूँ शैतान अंदर अंदर चिढ़ रहा है तेरी औरत के अंदर से। लेकिन आज रात कह रहा वो शैतान खत्म होगा, आज रात एक स्वर्गदूत आपके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। मैं आत्मा में होकर कह रहा हूँ परमेश्वर काम करेगा। और मैं ऐसे देख रहा हूँ तेरे घर में किसी बच्चे का नाम लिखा है परी, परी किसका नाम है, किसका नाम है, किसका नाम है? मेरे छोटे सिस्टर का नाम। हाँ परी, सुनना है, विश्वास करना है, ये परमेश्वर है। 20 तारीख को मैंने कुछ देखा, और 18, 19, 20 इसके बीच में कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपके इस डेटों के बीच में। किसी का कोई जन्म, कोई बर्थ, कोई शादी आता, कैसे कोई आता है, डैडी की डेथ हुई थी। हाँ मैंने देखा कुछ हुआ 18, 19, 20 में एक जादू टोना आपके ऊपर, और इसी समय इसके ड्रीम्स में मरे हुए लोग नजर आते हैं। हाँ, इसके लोग नजर आते हैं, और एक सांप इसके सिर पर बैठा है, अंदर इसको ट्रांसफर कर रहा है, तंग कर रहा है बार बार। लेकिन आज रात के बाद कह रहा है कि वो फिनिश, हमेशा के लिए फिनिश, आज शत्रु खत्म। आपने पैसा जितना कमाते हो, आप जितना कमाते हो उतना आप कह रहे, वेज नॉन वेज क्या काम करते हो आप? नॉन वेज का। तारीफ करेंगे जोर से। सुनो सुनो, मैं देख रहा हूँ कि एक औरत ने आपके घर पर शराब दिया हुआ है, जादू टोना, ऐसे मुंह से बोलकर कि तुम बसोगे नहीं कहीं पर, ऐसे बोला है। मैं देखता हूँ उस औरत को मैं आत्मा में, और इसी समय परमेश्वर फ्री करेगा आज रात। और मैं ऐसे देख रहा हूँ एक कपड़े के नीचे, एक चुन्नी के नीचे लिखा है चांदनी, वाइफ का नाम है। हालेलुया हालेलुया। सुनो सुनो, मैं देख रहा हूँ चांदनी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, और वो कपड़ा ऐसे लपेट के रखा हुआ है, और वो पानी में डाल रखा है। कह रहा है कि आपको कितने साल से इसको प्रॉब्लम है? ये इसको जी हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। 6 साल से वो कपड़ा पानी में घूम रहा है, और एक लोटे पर ऐसे पानी में डालकर और उस पर ऐसे धागा बांध कर उसको चीड़ हो रही है। मैं बोल रहा हूँ वो पानी में घूम रहा है, उसको कोई निकाल नहीं सकता कोई दुनिया की ताकत। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, और वो लोटे का मुंह खुल गया, आज आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है। हालेलुया हालेलुया। निकल जा इसके शरीर से, आउट, निकल जा, वो लोटा खुल गया, फ्री। सुन रहे हैं कि नहीं? देखो मैंने इसके लिए प्रार्थना नहीं किया, मैंने सिर्फ भविष्यवाणी किया, और वो मुंह खुल गया कि नहीं। मैं कह रहा हूँ शैतान का मुंह खोला हुआ है, आज से एक स्वर्गदूत आएगा आपकी हेल्प करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सुनो ध्यान से, एक 7 सीटर गाड़ी लेने वाले हो तुम यीशु मसीह के नाम में। बड़े टाइम से ट्राई कर रहे हो। आमीन। हाँ, मेरे जैसी फॉर्च्यूनर नहीं, पुरानी फॉर्च्यूनर, पुरानी लेनी, नवी लेनी है, जैसे परमेश्वर की इच्छा। बटर नहीं लगा रहा हूँ आपको, ऑयल लगाना और प्रार्थना करना से परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। ये जल्दी होगा, 3 तरीके से आशीष आएगी। ये लड़की कनाडा में जाएगी, लिख ले यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर के वो सारे शराब बंधन टूट जाएंगे आज रात के बाद। बोलो हालेलुया।